हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SVSV एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे PCE के अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस विधि द्वारा SSV उत्पन्न करने हेतु साइड बेंड रिमूव नहीं किया जा सकता। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, फिल्टर विधि, फेज शिफ्ट विधि, तृतीय विधि या बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस विधि द्वारा कैरियर को सप्रेस किया जा सकता है। फिल्टर विधि द्वारा, फेज शिफ्ट विधि द्वारा, तृतीय विधि द्वारा या बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के द्वारा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर द्वारा। कैरियर को बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर द्वारा सप्रेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कलेक्टर मॉड्यूलेशन का गुण नहीं है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, बेहतर रेखीयता, अधिक कलेक्टर दक्षता, उच्च पावर आउटपुट प्रति ट्रांजिस्टर या कम पावर की आवश्यकता। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम पावर की आवश्यकता। कलेक्टर मॉड्यूलेशन में कम पावर की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कलेक्टर मॉड्यूलेशन में अधिक पावर की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, SSV जनरेशन में सामान्यतः निम्न प्रकार के फिल्टर प्रयुक्त होते हैं। SSV जनरेशन में सामान्यतः किस प्रकार के फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, मैकेनिकल, RC, LC या लो पास फिल्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल। SSV जनरेशन में सामान्यतः मैकेनिकल फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कलेक्टर मॉड्यूलेटेड AM एम्पलीफायर में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल व कैरियर को किस युक्ति द्वारा ऐड किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, टैंक सर्किट, मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर, कंडेंसर या मॉड्यूलेशन चॉक। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर। मॉड्यूलेशन ट्रांसफार्मर द्वारा कलेक्टर मॉड्यूलेटेड AM एम्पलीफायर में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल व कैरियर को ऐड किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लीनियर डिमॉड्यूलेशन परिपथ में RC परिपथ का समय नियतांक। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत उच्च होना चाहिए, बहुत निम्न होना चाहिए, न्यूनतम मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति के लिए एडजस्ट किया जाना चाहिए या अधिकतम मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति के लिए एडजस्ट किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति के लिए एडजस्ट किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि DSV एसिड डिटेक्शन हेतु प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। हमारे ऑप्शन है, कोरेंट डिटेक्शन, कोस्टास रिसीवर, स्क्वायरिंग लूप या एनवेलप डिटेक्शन। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनवेलप डिटेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, RC परिपथ का समय नियतांक बहुत अधिक होने पर होती है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, डायगोनल क्लिपिंग, नेगेटिव पीक क्लिपिंग, पॉजिटिव पीक क्लिपिंग या ओवर मॉड्यूलेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा
डायगोनल क्लिपिंग आरसी पर्वत का समय नितांक बहुत अधिक होने पर डायगोनल क्लिपिंग होती है। अगला क्वेश्चन, मॉड्यूलेटेड तरंग से मॉड्यूलेटिंग तरंग प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, रेक्टिफिकेशन या एम्पलीफिकेशन। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटेड तरंग से मॉड्यूलेटिंग तरंग प्राप्त करने की विधि डिमॉड्यूलेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, एनवेलप डिटेक्टर होता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं लीनियर डिटेक्टर, स्क्वायरला डिटेक्टर, ऑन ऑफ डिटेक्टर या लॉग डिटेक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर एक लीनियर डिटेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन, एफएम जनरेट करने की निम्न विधियों पर विचार कीजिए। रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर या आर्मस्ट्रांग विधि, इनमें से कौन सी डायरेक्ट विधि हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं केवल ए, केवल बी, ए तथा बी, ए बी तथा सी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी। एफएम जनरेट करने की रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर व वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर डायरेक्ट विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैरेक्टर डायोड की धारिता उसकी रिवर्स वोल्टेज के, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, वर्गमूल के समानुपाती होती है या वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैरेक्टर डायोड की धारिता उसकी रिवर्स बायस वोल्टेज के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्मस्ट्रांग विधि है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं एफएम उत्पन्न करने की डायरेक्ट विधि, एफएम उत्पन्न करने की इनडायरेक्ट विधि, एएम उत्पन्न करने की इनडायरेक्ट विधि है, एएम डिटेक्शन विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफएम उत्पन्न करने की इनडायरेक्ट विधि है। आर्मस्ट्रांग विधि एफएम उत्पन्न करने की इनडायरेक्ट विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री एम्फेसिस प्रपत्र प्रयुक्त होता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं डिटेक्शन से पूर्व, डिटेक्शन के पश्चात, मॉड्यूलेशन के पूर्व, मॉड्यूलेशन के पश्चात। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन से पूर्व। प्री एम्फेसिस परिपथ मॉड्यूलेशन से पूर्व प्रयुक्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है डी एम्फेसिस परिपथ प्रयुक्त होता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं डिटेक्शन से पूर्व, डिटेक्शन के पश्चात, मॉड्यूलेशन से पूर्व या मॉड्यूलेशन के पश्चात। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिटेक्शन के पश्चात। डी एम्फेसिस परिपथ डिटेक्शन के पश्चात प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आयाम लिमिटर प्रयुक्त होते हैं। आयाम लिमिटर किस में प्रयुक्त किए जाते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं एफएम रिसीवरों में, एएम रिसीवरों में, एएम तथा एफएम रिसीवरों में या एएम तथा पीएम रिसीवरों में। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एफएम रिसीवरों में। आयाम लिमिटर एफएम रिसीवरों में प्रयुक्त होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न विधि द्वारा एफएम डिटेक्शन नहीं किया जा सकता है। किस विधि द्वारा एफएम डिटेक्शन नहीं किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं एनवेलप डिटेक्टर, स्लोप डिटेक्टर,
रेशियो डिटेक्टर या क्वाड्रेचर डिटेक्टर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनवेलप डिटेक्टर। एफएम डिटेक्शन एनवेलप डिटेक्टर द्वारा नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर के अवलक्षण होते हैं। हमारे ऑप्शन हैं एल आकार के, एस आकार के, जेड आकार के या जे आकार के। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस आकार के। बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर के अवलक्षण एस आकार के होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस एफएम डिटेक्टर द्वारा आयाम लिमिटिंग भी प्रदान की जाती है? हमारे ऑप्शन हैं स्लो डिटेक्टर, फोस्टर सिले डिटेक्टर, रेशियो डिटेक्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशियो डिटेक्टर। फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एफएम डिटेक्टर का कार्य है, एफएम डिटेक्टर का क्या कार्य होता है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं आयाम परिवर्तनों को आयाम परिवर्तनों में कन्वर्ट करना, आयाम परिवर्तनों को आवृत्ति परिवर्तनों में कन्वर्ट करना, आवृत्ति परिवर्तनों को आयाम परिवर्तनों में कन्वर्ट करना या आवृत्ति परिवर्तनों को आवृत्ति परिवर्तनों में कन्वर्ट करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति परिवर्तनों को आयाम परिवर्तनों में कन्वर्ट करना। एफएम डिटेक्टर का कार्य आवृत्ति परिवर्तनों को आयाम परिवर्तनों में कन्वर्ट करना होता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।